तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही रास्ते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीष्यो जगत कल्याणी है। यह भगवत अरहंत का सदुपदेश मनीष्यो सद उपदेश ही नहीं श्रद्धा का उपदेश है, ज्ञान का उपदेश है और सम्यक चारित्र का उपदेश है। तो पर्व कह रहा है जो खाने पीने में मौन मस्ती में समय निकाल दे वे पर्व पावन नहीं बना पाते हैं। जो मनुष्य आत्मा की साधना की ओर ले जाते हैं वे पर्व पावन बनाते हैं। श्रवण संस्कृति में मनुष्य पर्व भी आते हैं तो मस्ती के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पर्व भी आते हैं तो चैतन्य की बस्ती में निवास करने के लिए आते। ओहो कि सारे लोग मिठाइयां खाकर के आनंद लूटते होंगे पर ध्रुव सत्य ये है अजित भैया मिठाइयों से तो मुख झूठा हो जाता है। क्या कारण है वर्धमान ने अपने शासन में अपने श्रवणों को अपने श्रावकों को मिठाई खाने को भी मना कर दिया और कहा बेटो मिठाई में मुख मीठा नहीं करना है। यानी मिठाई तो चींटियां लग जाती हैं, मिठाई में कीड़े भी पड़ सकते हैं, पर तुम हमारे पर्व में उस मिठाई का पान करना जो मुख को मीठा ना करे वो मुख को फीका भी ना करे और चैतन्य को मधुर कर दे उसका नाम यानी अध्यात्म की मिठाई है। ऐसे अध्यात्म के मोदक का पान कर लेना यह शाश्वत पर्व। दक्ष लक्षण धर्मों पर चर्चाएं अनेक कालों से की हैं, मनुष्य वह चर्चा नहीं करना। आज हमें सरल जी कथाएं नहीं करना किसी गैर की, गाथा पढ़ना निचेतन्य आत्मा की। धर्म धर्म है समल के अब सुनो, धर्म धर्म है, धर्म होता ही है, धर्म किया नहीं जाता है, छुपा होता है उसे निकाला जाता है। धर्म होता ही है, धर्म किया नहीं जाता, अधर्म आता है, धर्म होता है। गुस्सा आती है, क्षमा होती है। गुस्सा आती है, क्षमा होती है, मेहमान आता है, परिवार रहता है। मेहमान आता है, परिवार रहता है, क्षमा चैतन्य का सदस्य है, परिवार है, वो कसाय बाहर का मेहमान। ज्ञानियों धरती को क्यों बिगाड़ते हो? महल बिगड़ जाए तो विकल्प नहीं करना शिवरार्थियों, विश्वास रखना कुछ बात है। महल बिगड़ जाए तो टेंशन नहीं लेना, महल को खड़ा किया जा सकता है, पर धरती बिगड़ गई तो ज्ञानी धरती बनाई नहीं जाती है। धरती बनाई नहीं जाती है, क्षमा पृथ्वी है, क्षमा भूमि है, यही कारण है पृथ्वी का नवम क्षमा है। क्षमा के पहले उसका नाम छोड़ी है, क्षमा के पहले पृथ्वी का नाम छोड़ी है, छोड़ी नाम कहता है। ओहो ज्ञानियों जो कुछ छोड़ना हो सब छोड़ दो, लेकिन मैं तो धरती हूं। क्या कह रही है धरती? जो कुछ छोड़ना हो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं तो धरती हूं। मेरा काम धरना ही है, तेरा काम गिरना ही है, तू गिर पर मैं धरूंगा, क्योंकि मेरा नाम धरती है। पर्वत को सिर पर उठा के फेंकने वाले
भुज बली मिल जाएंगे। पर्वत को सिर पर फेंकने वाले मिल जाएंगे, समुद्र को भुजाओं से तिरने वाले मिल जाएंगे। पर विश्वास रखो, भुज बली वो नहीं जो अपनी भुजाओं से पानी का मंथन करे समुद्र में, भुज बली वो है जो अपने चैतन्य के समुद्र में कसायों का मंथन करे। धन उसके लिए, धरती उसके लिए जिसके साथ राग है। धन उसके लिए, धरती उसके लिए जिसके साथ राग है। न धन उसका न धरती उसकी जिसके साथ वितराग भाव है। छोटी छोटी बातों से आकर के घर का माहौल क्या महाभारत बनाते हो। छोटी छोटी बातों में आकर के घर का क्या माहौल महाभारत बनाते हो। अरे ज्ञानी तुम ही छोटे हो जाते, अरे ज्ञानी तुम ही छोटे हो जाते तो नाटक तो ना होते। छोटे हो जाते घर में हो जाते, पर सबको मालूम था कि ज्ञानी दानी बड़े ही भैया हैं, पर तुम घर में छोटे हो जाते तो विश्वास रखो पूरे जबलपुर में बड़े कहलाते। जो घर में छोटे हो लेता है वो विश्वास रखो मौका पड़ जाए तो बिल्कुल बच्चे बन के बैठ जाना, पर विश्वास रखो बच्चे बन के नहीं आते होते, बच्चे बन के नहीं आते होते तो आज बूढ़े बन कैसे गए। विश्वास रखो बड़े बनना है तो छोटे बनना ही पड़ेगा। आपको हकीकत में धर्म समझ में आ रहा है तो सरदार जी उन लोगों के घर में आज जाना जिनके घर में कभी नहीं गए थे, जिनको आपने प्रमाण पत्र दे दिया था कि आप मेरे दुश्मन हो। जो दुश्मन था उसे साथ लेके चल रहे हो, और जो भगवान आत्मा है उसे दुश्मन कह रहा है। कोई जीव किसी का शत्रु नहीं होता, कोई जीव किसी का शत्रु नहीं होता है। यदि शत्रु जगत में कोई है तो तेरी कसा है उपाध्यक्ष जी। हे मुमुक्षु शत्रु को नहीं निहारो, ये आंखें ही तो हैं, ये आंखें ही तो हैं, इन आंखों में ही शत्रु विराजा है, इन आंखों में ही मित्र विराजा है। देखने की दृष्टि यदि शीतल है तो सारा जगत पावन पवित्र है, और आंखों में अग्नि बरस रही है तो ज्ञानी दिए सलाई की काली को शीतल वस्तु कब मिली। क्रोधी पुरुष होता है उसे जगत में कोई क्षमाशील नहीं मिलता, क्रोधी पुरुष होता है उसे जगत में कोई क्षमाशील नहीं मिलता, क्योंकि क्षमाबान के पास पहुंचने के पहले ही वो अपनी अग्नि भेज देता है। ध्यान दो, पद में आके पद मत मारो, पद चला जाएगा। पद में आके पद मत मारो, पद चला जाएगा, वो आपत्ति का पद खड़ा हो जाएगा। मारी थी भाभी के लात कभी देवर ने, मारी थी भाभी के लात देवर ने, लात चली गई, बात चली गई, पर्याय चली गई, परिणाम चले गए, लेकिन बंद नहीं चला पाई। बंद नहीं गया, वो बंद ऐसा बना तुम बन गए थे मुनिराज, बन गए थे मुनिराज। पर ध्यान दो, कपड़े तो उतर गए थे, मुनिराज तो बन गए थे, बीत रागी हो गए थे, पर बंद कर्म का नहीं बीत सका, बंद कर्म का नहीं बीत सका। अहंकार में आके जिस लात को मारा था वो बात आज पूछ लो, वह रात भी आ गई कि वही लात खाई जा रही थी। पैर मत मारो किसी को, दो दो बातें भी हो जाएं, सुबह हो जाए तो शाम को क्षमा मांग के आ जाए।